मम्मी पापा ये नहीं बोले कि दूसरा काम कर लो, कम ही पैसे में हम लोग गुजारा करें? नहीं, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, पर अपने मन से करते हैं। क्लाइंट अगर लड़की बना लेती है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर उसका मन है तो कर सकती है? हाँ, उसका मन है तो कर सकती है। मतलब मन नहीं करता है लाइनिंग छोड़ने का, जब एक बार आ जाते हैं तो मन नहीं करता है, मन लग जाता है। हाँ, कि थिएटर का जैसे ही नाम होता है तो लोग सोचता है असली लड़कियाँ वहाँ पे आती हैं, असली हरकतें करती। कुछ लड़कियाँ अच्छी भी होती है, कुछ लड़कियाँ बेकार भी होती है। कुछ लड़कियों की वजह से जो पब्लिक है, पब्लिक गंदे गंदे इशारे करती है, गलत गलत बोलती है। करवा थोड़ा सवाल है, बुरा मत मानिएगा। एक ये भी है कि थिएटर करने के बाद उनका क्लाइंट वहीं थिएटर के ऑडियंस में बन जाता है और थिएटर खत्म होने के बाद उनके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, ऐसा भी होता? तो देखिए, थिएटर की दूसरी लड़कियां यहां मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि थिएटर में ये क्यों आई, क्या ऐसा परिस्थिति हुई जो थिएटर का लाइन इनको चुनना पड़ा। पहले तो हम इनका नाम जानेंगे, आपका नाम क्या हुआ? तनु। तनु जी, कहाँ से आई हैं? हरिद्वार। हरिद्वार से आई हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन क्या होगा आपका? टेंथ पास करा है। टेंथ पास करा जी। ये थिएटर क्यों आपने चुना? थिएटर बस थोड़ा मजबूरी था, फैमिली प्रॉब्लम था। फैमिली प्रॉब्लम? हाँ जी। कितने भाई बहन हैं आप? मैं एक बहन एक भाई है। सबसे बड़ी बहन एक भाई? सबसे बड़ी मैं हूँ अपने घर में। सबसे बड़ी आप ही हैं? हाँ जी। क्या उम्र होती होगी? मेरी 18। ज़्यादा लग नहीं रहा है क्योंकि 18 अभी हुआ है, तो अभी ये नाबालिग से निकलकर बालिग हुई है। तो कितने दिन से ये थिएटर कर रही हैं? मैं सोनपुर में आई थी पहली बार, तब से कर रही हैं। हाँ जी। सोनपुर में किस थिएटर में थी आप? सोनपुर सम्राट थिएटर। सम्राट थिएटर, हाँ, दूसरा थिएटर था वो। और उसके बाद आपकी बार शोभा थिएटर में? शोभा सम्राट में, हाँ। शोभा सम्राट में। तो क्या लगता है कि ये जो लाइन चुनी है, इस लाइन से आप खुश हैं? खुश तो नहीं है, अब क्या करें, मजबूरी सब कुछ करवा देता है। मजबूरी करवा? हाँ जी। आगे क्या बनने का आपका विजन है? देखते हैं, किस्मत कहाँ ले जाता है, कहानी किस्मत के ऊपर बात करता है, डिपेंड। किस्मत कहाँ ले जाता है? हाँ जी। तो इसमें क्या लगता है कि अच्छी खासी पैसा मिल जाती है? हाँ, मिल जाता है। घर परिवार चल जाता है? हाँ जी, चल जाता है। कम उम्र में घर का जिम्मेदारी आपने लिया, मम्मी पापा ये नहीं बोले कि दूसरा काम कर लो, कम ही पैसे में हम लोग गुजारा करें? नहीं, मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, पर अपने मन से करते हैं, क्योंकि होता नहीं है ना इसमें, मतलब मन नहीं करता है लाइनिंग छोड़ने का, जब एक बार आ जाते हैं तो मन नहीं करता है, मन लग जाता है। हाँ। अच्छा, थिएटर का एक है थोड़ा सा गंदा सा एक विजन है कि थिएटर का जैसे ही नाम होता है तो लोग सोचता है असली लड़कियां वहाँ पे आती हैं, असली हरकतें करती। कुछ लड़कियां अच्छी भी होती है, कुछ लड़कियां बेकार भी होती है, उनसे नहीं लेना। और पब्लिक का तो मतलब कहना होता है ये, वो मतलब गंदे इशारे करती है, पर थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, पर क्या करें, कान से सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं। आप ठीक है तो सब ठीक है? हाँ, हम ठीक है तो सभी ठीक होंगे, लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, और लड़की चाहे तो मतलब कुछ भी कर सकती है। सब कुछ कर सकती है? हाँ। तो कुछ लड़कियों की वजह से थिएटर बदनाम? हाँ, कुछ लड़कियों की वजह से जो पब्लिक है, पब्लिक गंदे गंदे इशारे करती है, गलत गलत बोलती है। अच्छा, एक और करवा थोड़ा सवाल है, बुरा मत मानिएगा। एक ये भी है कि थिएटर करने के बाद उनका क्लाइंट वहीं थिएटर के ऑडियंस में बन जाता है और थिएटर खत्म होने के बाद उनके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, ऐसा भी होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब बस डांस की और उसके बाद खत्म? डांस खत्म हुआ, लड़की पर डिपेंड। अगर लड़की का मन है तो दूसरा आदमी तभी टच करता, अगर लड़की का मन नहीं है तो कैसे कर देगा वो? लड़की चाह, वही बोल रहा हूँ, अगर लड़की का मन है कि वहाँ क्लाइंट वो बना ली थिएटर में और फिर मन है तो दूसरे जगह फिर। हाँ, लड़की पर डिपेंड करता, अगर जबरदस्ती कर रहा है तब मालिक को बताओ, अगर लड़की का मन नहीं है। जबरदस्ती तो नहीं करता है क्योंकि आप जबरदस्ती वाला जमाना रहा नहीं, लेकिन अगर क्लाइंट अगर लड़की बना लेती है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर उसका मन है तो कर सकती है? हाँ, उसका मन है तो कर सकती है। तो इस तरह का ये बात सही है? हाँ जी। तो ये जो डांस करती हैं, सिर्फ आप थिएटर में करती हैं या फिर ऑर्केस्ट्रा में? या ऑर्केस्ट्रा भी करते हैं? ऑर्केस्ट्रा में? हाँ जी। और एल्बम वगैरह? एल्बम अभी नहीं सोचा नहीं है। अच्छा, किस तरह का फिल्म आपको देखना पसंद है, भोजपुरी या हिंदी, और गाना किस तरह का सुनना पसंद है आपको? बस ऑल सब? हाँ जी, सब। क्योंकि बिहार में भोजपुरी ज़्यादा लोग? हाँ, यहाँ आके थोड़ा भोजपुरी गाने सुनते हैं, हिंदी गाने बजता ही नहीं है। हिंदी बजता ही नहीं, समझ में आता है हिंदी? हाँ, हिंदी भोजपुरी सब आता है, सब समझ में। हाँ जी। अच्छा, एल्बम अगर करने का मौका मिल गया आपको तो क्यों नहीं करेंगे? करेंगे।
ऑफर मिलेगा तो, ऑफर मिलेगा तो करेंगे। हाँ जी, तो सुन लीजिए, जिनको भोजपुरी में एल्बम में काम देना हो इनसे संपर्क कीजिए, ये एल्बम में काम करने के लिए रेडी हैं। तो अच्छी डांसर हैं, अच्छी कलाकार हैं, और हमें विश्वास है कि आपके साथ ये मिलकर बहुत अच्छे काम भी करेंगी। आपसे अगर संपर्क करना चाहेगा कोई, तो कहीं ऑफिस वगैरह है आपका, कैसे संपर्क करेगा अगर एल्बम में काम देना होगा तो? इंस्टाग्राम आईडी है। आईडी है? हाँ जी, आईडी पूरा बता दीजिए ताकि वहाँ संपर्क लोग कर लें। जिद्दी सिंगल क्वीन बेबी। तो नाम फिर से बताइए आप। तन्नु। तन्नु जी, जितना नाम प्यारा है, जितना खूबसूरत नाम है, उतना ही खूबसूरत ये भी है। और मजबूरी, कहा जाता है ना कि मजबूरी कुछ भी करा देता है। पापी पेट का सवाल जब होता है ना, तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो जो लोग थिएटर वाली लड़की को गलत समझते हैं, अपना नज़रिया बदल लीजिए यार, ऐसा होता नहीं है। चूँकि कला दिखाना कोई गलत नहीं है, ये कलाकारी करती हैं, यहाँ डांस करती हैं, लोगों को मनोरंजन करती हैं, और लोग उसका पैसा दे करके, जो 1200, 600 और 200 का जो टिकट होता है, मनोरंजन करके वो जाते हैं वापस, और उनको इंटरटेन करने के लिए ये लड़कियाँ दूर दूर से आती हैं, बिहार में आती हैं, और कभी सोनपुर मेला में आती हैं, तो कभी मलमास मेला में आती हैं, और आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए ये काफ़ी लड़कियाँ बिहार आती हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर आती हैं और एंटरटेन करती हैं। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।